हम लोग आए एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है एल चिको, जहाँ पे हम लोग लंच करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सुबह बहुत लेट उठे, मैं रात भर एडिटिंग कर रहा था और अभी हम लोग डायरेक्टली लंच करके फिर हम लोग जा रहे हैं फोर्ट को। हम लोग एक्चुअली सिविल लाइन्स आए हैं, ये अलाहाबाद का सबसे हैपनिंग एरिया है, यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग करने के लिए भी काफी सारे ऑप्शन है। रिक्शा में सब घूम रहा था, भूख लगा है, कल चाट खाया ना। नाइस इंटीरियर अच्छा है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट है ये, 1964 में स्टार्ट किया गया था। हम लोगों ने 5 लोगों ने खाया और बिल जो है हम लोग का 1400 के आसपास आया, बट फूड क्वालिटी, एम्बियंस, वो सबको अगर आप कंसिडर करोगे तो वो वर्थ इट, वर्थ इट है। सो गाइज, अभी हम लोग प्रयाग किले में जाके आए। बेसिकली किला जो है वो बंद है, आर्मी ने ऑक्यूपाई किया है, राइट। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे सब जगह पे लिखा हुआ था कि फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है, बट वहाँ पे एक मंदिर है, वो मंदिर हम लोगों ने विजिट किया। बट अगर आपको फोर्ट देखना है स्पेसिफिकली तो फिर आपको फोर्ट देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बंद है कम्प्लीटली। हाँ, सो बेसिकली फोर्ट में लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको अक्षय वट वृक्ष जो है उसका दर्शन लेना होता है। अभी ये जो अक्षय वट वृक्ष है वो हिंदू लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 युग हो गए अभी तक, जैसे कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है, ये चारों युग से ये वृक्ष जो है वो वहीं पे है। वृक्ष के नीचे उन्होंने एक मंदिर बनाया है जिसमें काफ़ी सारे देवी देवताओं के मूर्तियां हैं और ये सारी मूर्ति काफ़ी प्राचीन काल की है। आप जाओगे ना मंदिर में तो आप रेड बॉर्डर दिया हुआ एक राउंड शेप का एरिया दिखेगा, वो बेसिकली बोलते हैं वो सरस्वती कूप था। प्रयाग में अगर किसी का मरण हुआ तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, उसी चक्कर में काफ़ी सारे लोग उड़ी मार देते थे और फिर मर जाते थे, फिर मुगलों ने ये जो कुआ है उसको बंद कर दिया। सो एक्चुअली ये लोकेशन देखने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस बहुत है, भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है ये। एक सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम ये दिखाना कि हम लोग जब नीचे मंदिर में गए तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ रखी थी सब जगह पे एक 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 गुरु जी खड़े थे, और वो गुरु जी जैसे हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो बोलते थे कि पहले दक्षिणा रखो फिर पैर पड़ो तो आपको भगवान आशीर्वाद देगा, या फिर हम लोग वहाँ पे चले गए तो आते आते ही टीका लगा देंगे और टीका लगाने के बाद में बोलेंगे अभी दक्षिणा दो। तो ये थोड़ा सा मुझे लूट जैसा लगा, मुझे किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को या फिर कोई ऐसे जगह पे बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको हर्ट नहीं करना है, बट ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी गरीब लोग भी यहाँ पे आते हैं और उनके पास अगर इनके पैसे नहीं रहेंगे तो वो कैसा है कि दक्षिणा के नाम पे या फिर भगवान अपने को कुछ होप, हाँ, भगवान के डर के वजह से, कुछ होप की वजह से वहाँ पे पैसे दे देते हैं, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई इनोसेंटली बहुत ज़्यादा पैसा दे देता है, जो कि मुझे थोड़ा गलत लगा, बट ओवरऑल ये जगह बहुत सही है। एक्चुअली फोर्ट देखना था हम लोगों को, ओपन होना चाहिए था बिकॉज ये अकबर ने बिल्ड किया हुआ फोर्ट है और बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज फोर्ट है। और आई गेस ये जो आपको वॉल दिख रहा है ना, ऐसा स्लोप है तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे ऐसे घोड़े और हाथी वाती जाके एंटर करते रहेंगे। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होगा, तो दोस्तों देर ना करें और अभी लेके जाएं ये काले घोड़े के नाल की अंगूठी, ये हमारे बाबा का तोहफा, काले घोड़े के नाल की अंगूठी। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है और आप सफल नहीं हो रहे हो तो जो काले घोड़े की नाल की अंगूठी ले लो, आपको सफलता मिल जाएगी। और सबसे फनी चीज ये है ना, जो सेल कर रहा है उसको क्यों सफलता नहीं मिली, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पहिल्याच्या काळात मिळत असेल कारण की त्यास घोडे तेवढे होते ना, आता तर घोडेच नाहीये तर कसं सापडणारच नाही ना, म्हटलं इथे आता आपल्याला काळा टायर मिळेल, काला टायर की क्या सफलता का एक ही ऑप्शन है, हार्डवर्क, हार्डवर्क, मेहनत और ईमानदारी से काम, बस। आवडलं? चांगलं चांगलं। कैसा है ना, मैं चाय पीती हूँ, कभी नहीं पीती। तू वापस ले रही है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब बेस्ट चाय था। मैं रिक्शा में पीछे बैठी थी और सर दुख रहा है बहुत ही ज्यादा। क्यों? आपको ना अलाहाबाद के रास्ते में सिर्फ ये सुनाई देगा। मिलेगा अच्छे शॉट्स? हाँ ठीक मिले। हाइपरलैप्स? हाइपरलैप्स तो सबसे लंबा मिला, मेरा एक आँख तो ऐसा अंडर एक्सपोज ही हो गया क्योंकि 180 फोटोज का लिया एक हाइपरलैप्स और एक 75 फोटोज का लिया। तो जब यहाँ
यहाँ पे ले रहा था ना, मेरे को लोग ऐसे एकदम पागल के नजर से दिख रहे थे कि इसको क्या हो गया है, हर एक स्टेप के बाद में फोटो निकल रहा है। एक दो लोग आके पूछे भी क्या करके रहे हो तुम लोग, हर एक स्टेप के बाद में फोटो ले रहे हो। मैं बोला वही वीडियो ले रहा हूँ। उनको कुछ समझा नहीं, ऐसे उनको सोचा कि छोड़ो कुछ हो गया है इसको, क्या बोलेंगे। स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। लोकेशन बहुत सही है हाइपरलैप्स के लिए। लोगों को कचरे डालने की जगह नहीं मिली ना, कहाँ डाला है देखो कचरा इसके अंदर। सबको अपना प्यार अमर करना है, इसलिए यहाँ पे सब लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है ना, रंजन, सुमेधा, अच्छी बात है। बहुत आशिक है यहाँ पे अपने इंडिया में। हर एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट पे ऐसा मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं जिसके ऊपर ज्यादा कुछ लिखा नहीं, सिवाय ताजमहल के। पर हर एक क्योंकि बहुत हाईली प्रोटेक्टेड और ये सब कुछ है। बट बाकी हर कितना भी अच्छा, कितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, उसके ऊपर लिखा ही रहता है। खुसरो बाग में चार मकबरे हैं और खुसरो जो है वो जहांगीर के बड़े बेटे का नाम था, जिसे फेमसली सलीम के नाम से पहचानते हैं। जहांगीर का बड़ा बेटा जो था उसका नाम खुसरो था और उन्हीं के नाम से ये बाग का नाम पड़ा है। और उनको यहाँ पे बेसिकली दफनाया गया था, जो मकबरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो निसार बेगम का मकबरा है, वो बेसिकली उनकी बहन थी। और ये मकबरा सबसे ब्यूटीफुल है, इसका जो थोड़ा बहुत कामगिरी है वो भी अभी तक वैसे का वैसा ही है ना। और हाँ, और एक्चुअली ये जितना भी स्टोरी है सिर्फ किंजल को पता है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं साइड में खड़ा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे सिर्फ कैमरे में नहीं रहना है। बिचारी सब बोल रही है और उसको सांस भी उसका फूल रहा है बोलते बोलते। नहीं, सांस नहीं फूल रहा एक्चुअली, मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा है ना, सब लोग देख रहे हैं। मतलब हम लोग बहुत जगह पे ट्रायल किया है, बट यहाँ पे लोग ऐसे वहाँ से मतलब दूर यहाँ से चल के आएंगे ना, वहाँ तक चल के जाएंगे तब तक कॉन्स्टेंटली घूर रहे, तो बहुत अजीब लग रहा है मेरे को। निसार बेगम का जो मकबरा है वो सबसे ब्यूटीफुल है, उसका जो कामगिरी है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और अभी भी एज इट इज़ है काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे। हाँ, डिज़ाइन भी अभी भी वैसे भी इंटैक्ट है ना, काफ़ी सारी जगह की डिज़ाइन चली जाती है, यहाँ पे डिज़ाइन और कलर भी इंटैक्ट है। स्पेशली वो डोर वाला है ना, बहुत सही है। बाय द वे, लड़कियों के लिए अकेले आने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ पूरा फैमिली होने के बाद भी लोग मेरे को वहाँ पे तंग कर रहे हैं, मुझे चंद्रमुखी करके बुला रहे हैं और हूटिंग कर रहे हैं उनका, कब से सीटी वगैरह बजाना शुरू है। तो अकेले मत आओ यहाँ पे, फैमिली के साथ आओ या फिर कोई ग्रुप में आओगे तो ज्यादा बेटर है। और अगर आ रहे हो तो उनको कम्प्लीटली इग्नोर मोड पे डालो, उनको कुछ रिवर्ट मत करो, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा हो सकता है। ये वाला जो मकबरा आप देख रहे हो ये सबसे मेन मकबरा है जिसपे ये बाग का नाम पड़ा है खुसरो। थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, हाँ ये जो पीछे है ये उनकी कब्र है। क्या बड़े कीड़े मकोड़े हैं, काटा तो लग जाएगी। लोकल औरतें यहाँ पे राम और सीता के भजन गा रहे हैं बैठ के। खुसरो बाग के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है और ये इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से काफी नजदीक भी है। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना स्पेशल फूड ऑफ अलाहाबाद, तो आपको ये भी उसमें लिस्ट में आएगा। यहाँ पे इसको मसाला कुरमुरा बोलते हैं और ये आपको कहीं पे भी कोई भी लोकल स्ट्रीट में मिल जाएगा इजी। छाड़ एकदम भेड़ सारखं तरी डिफरेंट है, सो अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप है इंडियन कॉफी हाउस, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। खास बात ये है कि यहाँ पे सारे पॉलिटिकल लीडर्स और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स आके यहाँ पे बैठते थे। और यहाँ पे कोल्ड कॉफी और डोसा कोई तो है जो मसाला डोसा है वो जो बहुत ज्यादा फेमस है, और इसका स्ट्रक्चर बहुत सही है। देखा ऑटो, ऑटो स्ट्रेट करने को बोला तो क्या करता है। मेन्यू अगर आपने देखा रहेगा ना तो ऐसे ऑड रेट्स है, अपन जैसे ऐसे 30-35 कॉफ़ी का 30 ऐसा होता है, तो इधर 27.60 ऐसा है। बाय द वे हम लोगों ने बटर डोसा बोला, दो कोल्ड कॉफ़ी बोला और तीन हॉट कॉफ़ी और दो प्लेट ब्रेड बटर, इतना सब मिला के हम लोग का 418 बिल आया। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस के बहुत सारे ब्रांचेस है। मैं जब केरला गई थी मेरे दोस्त की शादी के लिए तभी मैंने वहाँ पे भी खाया था। और हम लोग 5 साल पहले, हाँ, मॉल रोड पे स्कैंडल पॉइंट है उसके पास में ही है इंडियन कॉफी हाउस, वहाँ पे विजिट किया था। ऐसा थोड़ा सा रफली याद था बट फिर किंजल ने पॉइंट आउट किया कि हम लोग जा चुके इसके पहले भी। मम्मी को चिकन खिलाने का क्या खाएगी, क्या करो उनकी चेष्टा, गरीब लोगों की चेष्टा करो। सो ये जो आउटलेट है ये चिकन बिरयानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और मेरे घर पे सब लोग वेजिटेरियन हैं
इसके लिए हम लोग ये आउटलेट में नहीं गए। कामधेनु स्वीट्स करके वो भी बहुत फेमस है, स्पेशली दही भल्ला, कुल्फी फालूदा और पेठा, अंगूरी पेठा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मुझे तो मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं दही भल्ला खाने वाली हूँ। तू क्या घेणार आहे साई? क्या बोलते हैं उसको? अंगूरी पेठा। हाँ, अंगूरी पेठा खाऊंगी। सो हम लोग का बहुत बड़ा पोपट हुआ है, हम लोग जो कामधेनु सोच रहे थे वो ये। बाबा थक गए इसके लिए होटल चले गए, बट उनको एक्चुअली जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो सुबह सुबह जलेबी खाने गए थे बट उनको मिली नहीं, तो उन्होंने जलेबी के जगह पे ब्रेकफास्ट में समोसा खा लिया। तो अभी हम लोग जो कामधेनु में आए थे वहाँ पे गरम गरम जलेबी मिल रहा था, तो हमने बाबा के लिए जलेबी और रबड़ी पार्सल ली। सो गाइज, हम लोग का अलाहाबाद का ट्रिप यहीं पे एंड होता है। हम लोगों ने आज काफ़ी लोकेशंस एक्सप्लोर किए, नहीं एक्चुअली हम लोग ने सिर्फ दो लोकेशन एक्सप्लोर किए और थोड़े से ज़्यादा फूड जॉइंट्स हम लोगों ने एक्सप्लोर किए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। एक्चुअली किंजल का सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहे थे एग्जिट देते टाइम पे, उसका माइंड पूरा नम हो गया, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ इस बार। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। Bye.